अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। बहुत ही इख्तसार से काम लिया उन्होंने, बहुत सोच कर अपने लब खोलता है, जो कुछ जानता है वो कम बोलता है। इसका मुजाहरा जनाब अनिमेश शर्मा जी ने यहाँ पर किया। आइए तो मैं रंग ज़रा सा बदलना चाहता हूँ और इसके लिए मैं एक शायरा और कवित्री को आपके दरमियान शायरी के लिए जहमत देना चाहता हूँ कि खुशबुए गुल से महक उठेगी महफिल सारी, खुशबुए गुल से महक उठेगी महफिल सारी, दास्तां मीर की मीरा की ज़बानी सुनिए और आप भी इश्क के दरिया में उतर जाएंगे, उससे दिल्ली की नहीं दिल की कहानी सुनिए। हमारे दरमियान मौजूद हैं नंदनी साहिबा, मैं उनसे बहुत इज़्ज़त एहतराम के साथ इल्तमास कर रहा हूँ कि बराए करम वो आएँ और अपनी गज़ल के ज़रिए सामने इनको महसूस फरमाएँ। मोहतरमा नंदनी श्रीवास्तव साहिबा, माँ शारदे को नमन करती हूँ, अशोक पंकज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और विजेंद्र परवास बाबू जी को उनके 77वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और बिना वक्त बर्बाद किए अनिमेश जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ा दी कि एक ही शेर कह के वो चले गए, लेकिन मैं पूरी गज़ल कहूँगी कि फिर वही टूटा सफीना, फिर वही तूफान है, फिर वही टूटा सफीना, फिर वही तूफान है, हौसला टूटा नहीं है, मुश्किलें हैरान है, और आज बैठा है जमाना आपके हद ही भगवान है। और दीक्षित जी का विशेष तौर पे मैं चाहूंगी कि सोचते थे वो कि उनकी बेरुखी तलवार है, सोचते थे वो कि उनकी बेरुखी तलवार है, देख कर हमको सलामत आज वो हैरान है, देख कर हमको सलामत आज वो हैरान है। और समसामयिक बात की बंदगी शायस्तगी और आदमी, बंदगी शायस्तगी और आदमीयत का चलन आजकल वो ढूंढते हैं, क्या करें नादान है, आजकल वो ढूंढते हैं, जहर है वो पीठ पीछे सामने गुलकंद है, जहर है वो पीठ पीछे सामने गुलकंद है, आजकल ऐसे मदारी महफिलों की शान है, आजकल ऐसे मदारी महफिलों की शान है। मप्पे का शेर की नंदनी के मुस्कुराहट आपने देखी मगर, नंदनी के आंसुओं से आप भी अनजान हैं, फिर वही टूटा सफीना,
फिर वही तूफान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें।